आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी। जैसा कि हम सभी डिस्कस करते आ रहे थे रूट वर्ड्स, हमने काफ़ी सारे रूट वर्ड्स डिस्कस किए प्रीवियस क्लासों में। इसी प्रकार हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो रूट वर्ड चल रहा था वो था लॉजी, यानी लॉजी के ऊपर, स्टडी ऑफ समथिंग के ऊपर हमने दो पार्ट पहले से कम्प्लीट किए। उसी प्रकार जैसे 20-20 जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम हर एक क्लास में डिस्कस करते आ रहे हैं, इसी प्रकार जो लॉजी, यानी लॉजी के ऊपर हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है, यानी पार्ट थर्ड ऑफ लॉजी। अब लॉजी का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ, इसमें भी आज के लिए हमारे जो 20 जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हैं। जैसे कि हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में चल रहे थे आगे, इसी प्रकार हमारी जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ती चल रही है, यानी हम काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स डिस्कस करते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी जो क्लास है बहुत ही अच्छी चल रही है और आप भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे क्या लॉजी, यानी स्टडी, किसी भी चीज़ के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम, क्या बोल देंगे, लॉजी। यानी कोई भी जो ऐसा वर्ड होगा, यानी किसी की स्टडी से रिलेटेड होगा, यानी किसी भी चीज़ के अध्ययन के बारे में होगा, उसमें आपको लॉजी देखने को ज़रूर मिलेगा। क्या दोस्तों, लॉजी रूट वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार जो ये क्लास है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला वर्ड है वो आप देख पा रहे होंगे, गैस्ट्रो इंट्रियोलॉजी। यानी गैस्ट्रो इंट्रियोलॉजी क्या होता है, अब गैस्ट्रो से मैं बताना चाहूँगा, गैस्ट्रो इंट्रियोलॉजी जो वर्ड यूज़ हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है दोस्तों, स्टोमक और इंस्टेटाइन, यानी हमारे पेट के लिए और जो आंत होती है उनके लिए क्या यूज़ हो रहा है हमारा, गैस्ट्रो इंट्रियोलॉजी। यानी पेट का और जो आंतों का अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, गैस्ट्रो इंट्रियोलॉजी। क्या बोल देंगे दोस्तों, स्टडी ऑफ स्टोमक एंड इंस्टेटाइन इज नोन एज गैस्ट्रो इंट्रियोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इज नोन एज गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। फिर बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जीनियोलॉजी। अब जीनियोलॉजी में जो जीन वर्ड है इससे मैं बताना चाहूँगा, जीन आ गया तो इसमें यानी फैमिलीज, यानी जो वंशावली है उससे रिलेटेड होगा, यानी डिसेंट ऑफ फैमिलीज। क्या बोल देंगे दोस्तों, डिसेंट ऑफ फैमिलीज के बारे में क्या करेंगे स्टडी, यानी जो फैमिली हमारी चलती है पूर्वजों के बारे में जो वंशावली के हिसाब से अध्ययन करेंगे परिवार का, उसका क्या हो जाएगा, जीनियोलॉजी। क्या हो जाएगा, जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा, देखते हो दोस्तों जो जीन वर्ड है इससे बना हमारा जीनियोलॉजी, इससे क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ डिसेंट ऑफ फैमिलीज। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ डिसेंट ऑफ फैमिलीज इज नोन एज जीनियोलॉजी, इज नोन एज जीनियोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारी क्लास का नेक्स्ट वर्ड है जीनिसियोलॉजी। अब देखो इसमें जीनियोलॉजी है और इसमें जीनिसियोलॉजी है, बहुत ही मतलब रेयर सा एक डिफरेंस है जीनिसियोलॉजी और जीनियोलॉजी। अब जीनिसियोलॉजी में क्या करेंगे हम, स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, यानी प्रजनन और अनुवांशिकी का क्या करेंगे अध्ययन, प्रजनन और अनुवांशिकी का अध्ययन किसमें करते हैं हम, जीनिसियोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड रिप्रोडक्शन इज नोन एज जीनिसियोलॉजी। क्या करेंगे दोस्तों, जीनिसियोलॉजी में हम प्रजनन और अनुवांशिकी का क्या अध्ययन कर देंगे, जीनिसियोलॉजी में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन, स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, यानी प्रजनन, रिप्रोडक्शन तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्रजनन, और हेरिडिटी क्या हो जाएगा अनुवांशिकी, क्या इसमें अध्ययन हो जाएगा, प्रजनन और अनुवांशिकी का अध्ययन को क्या बोल देंगे हम, जेनेसियोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, जेनेसियोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। फिर बात करते हैं हमारे थर्ड जो फोर्थ वर्ड है वो है जियोलॉजी। अब जियोलॉजी भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, अब जियोलॉजी से बताना चाहूँगा, जियो जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो यानी अर्थ के लिए, किससे, पृथ्वी से संबंधित होने वाला है। अब पृथ्वी का जो अध्ययन होगा, यानी पृथ्वी के जो हिस्ट्री का, जो पृथ्वी का इतिहास होगा उसके बारे में जो अध्ययन होगा उसका बोल देंगे जियोलॉजी। तो जियो जो वर्ड हमारा हो जाएगा अर्थ से रिलेटेड, तो जियोलॉजी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के इतिहास के बारे में जो भी अध्ययन होगा, यानी स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। क्या बोल देंगे इसको, जियोलॉजी। क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के बारे में जो भी इतिहास अर्थ का उसके बारे में जो भी अध्ययन करेंगे उस अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, जियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, फिर बात जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारा जेरेंटोलॉजी। अब जेरेंटो वर्ड मैंने क्लियर किया था, ये होता है ओल्ड एज से रिलेटेड, अब ओल्ड एज से रिलेटेड हो गया और लॉजी यानी स्टडी, यानी
इसमें आपको पता चल गया होगा कि स्टडी होगी ओल्ड एज की। अब इसमें क्या स्टडी होगी, इसमें होगी दोस्तों डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो किससे रिलेटेड हो, ओल्ड एज से यानी बुढ़ापे से जो भी बीमारियां रिलेटेड हो उनकी स्टडी किस में होती है, जेरेंटोलॉजी में। जेरेंटोलॉजी में क्या होती है, स्टडी ऑफ डिजीज़ रिलेटेड टू ओल्ड एज यानी बुढ़ापे से संबंधित जो भी बीमारियां होती है, डिजीज़ होती है रोग, उनका अध्ययन किस में होता है, जेरेंटोलॉजी में। जेरेंटोलॉजी में क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था से संबंधित जो भी रोग होंगे उनका अध्ययन किस में होगा दोस्तों, जेरेंटोलॉजी में। जेरेंटोलॉजी में क्या होगा, बुढ़ापे से संबंधित जो भी रोग यानी डिजीज होंगे उनसे रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो क्या होगी, जेरेंटोलॉजी। क्या कहलाएगी, जेरेंटोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड ग्रेमिनोलॉजी। अब ग्रेमिनोलॉजी में बताना चाहूंगा, जो ग्रेमिनो वर्ड है इससे होता है हमारा ग्रास यानी घास। ग्रेमिनो से क्या हो गया, घास, तो ग्रेमिनो से घास हो गया, लॉजी यानी स्टडी, तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ग्रासेस। स्टडी ऑफ ग्रासेस क्या बोल देंगे, ग्रेमिनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिख देंगे हम, स्टडी ऑफ ग्रासेस इज नोन एज ग्रेमिनोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस यानी घासों के अध्ययन को क्या बोल देंगे, ग्रेमिनोलॉजी। फिर हमारा एक बहुत ही प्यारा वर्ड आ रहा है, हैगियोलॉजी। क्या आ रहा है दोस्तों, हैगियोलॉजी। अब हैगियोलॉजी में बताना चाहूँगा, जो हैगियो वर्ड यूज़ हो रहा है ये हो रहा है सेंट्स के लिए यानी संतों के लिए। किसके लिए दोस्तों, संतों के लिए। अब जो संतों के बारे में अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, हैगियोलॉजी। क्या बोल देंगे दोस्तों, हैगियोलॉजी। हैगियोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ सेंट्स, सेंट्स यानी संत। जो संत लोगों के बारे में अध्ययन होगा उसको क्या बोल देंगे हम, हैगियोलॉजी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्टडी ऑफ सेंट्स। क्या लिख देंगे दोस्तों इसको, स्टडी ऑफ सेंट्स। अब सेंट बोले तो संत, यानी संतों के बारे में जो भी अध्ययन हो जाएगा वो जाएगा हैगियोलॉजी में। फिर हमारा जो बहुत ही प्यारा वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हीलियोलॉजी। अब हीलियोलॉजी यानी रिलेटेड टू सन यानी सूर्य से संबंधित होगा, लॉजी यानी अध्ययन। तो ये हो गया हमारा सूर्य विज्ञान यानी सूर्य के बारे में जो भी अध्ययन होगा उसको क्या बोल देंगे दोस्तों, हीलियोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ सन इज नोन एज हीलियोलॉजी या साइंस ऑफ सन इज नोन एज हीलियोलॉजी। यानी सूर्य के विज्ञान को या सूर्य के बारे में जो भी अध्ययन होगा उसको क्या बोल देंगे दोस्तों, हीलियोलॉजी वर्ड हमारा उसके लिए आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार जो हीलियोलॉजी वर्ड हमारा वो क्लियर होता है। हीलियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सन या साइंस ऑफ सन। क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य का विज्ञान या सूर्य के बारे में जो भी अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, हीलियोलॉजी। उसको क्या बोल देंगे दोस्तों, हीलियोलॉजी। तो हीलियोलॉजी क्या क्लियर होता है हमारा, स्टडी ऑफ सन या साइंस ऑफ सन। तो इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, स्टडी या साइंस ऑफ सन। ठीक है दोस्तों, अध्ययन या विज्ञान किसका, सूर्य का। अध्ययन या विज्ञान किसका, सूर्य का। क्या कहलाएगा हमारा, हीलियोलॉजी। फिर वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा हमारा हेलमिंथोलॉजी। अब हेलमिंथो वर्ड से मैं क्लियर करना चाहूँगा, हेलमिंथो का अर्थ होता है हमारा वॉर्म्स यानी कीट। अब जब कीटों का अध्ययन होगा उसको क्या बोल देंगे, हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी ऑफ वॉर्म्स इज नोन एज हेलमिंथोलॉजी। यानी कीटों के अध्ययन को क्या बोल देंगे हम, हेलमिंथोलॉजी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी ऑफ वॉर्म्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ वॉर्म्स। स्टडी ऑफ वॉर्म्स इज नोन एज हेलमिंथोलॉजी। फिर हमारा जो लास्ट जो वर्ड है यानी इस स्लाइड का वो है हेमेटोलॉजी। अब बात कर रहे हैं हेमेटोलॉजी। अब हेमेटोलॉजी में बताना चाहूँगा, जो हेमेटो वर्ड यूज़ हो रहा है वो हो रहा है हमारा किसके लिए, ब्लड के लिए। अब ब्लड की बात आ गई, अब लॉजी यानी स्टडी। तो हेमेटोलॉजी में क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड किस में हो जाएगी दोस्तों, हेमेटोलॉजी में। हेमेटोलॉजी में क्या करते हैं हम, यानी रक्त का अध्ययन किस में करते हैं, हेमेटोलॉजी में। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार ये हमने जो 10 वर्ड है ये हमने समझे। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेपेटोलॉजी। क्या है दोस्तों, हेपेटोलॉजी। अब हेपेटोलॉजी में जो हेपेटो वर्ड है, हेपेटो वर्ड बताना चाहूँगा किसके लिए हो रहा है, लीवर के लिए। किसके लिए आ रहा है, लीवर के लिए आ रहा है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, लीवर का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वर्ड हमारा आ रहा है लीवर के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लीवर।
जिगर का जो अध्ययन होगा, जिगर का, उसको क्या बोल देंगे, हेपेटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हर्पेटोलॉजी। अब हर्पेटोलॉजी में बताना चाहूँगा, जो हर्पेटो जो वर्ड यूज हो रहा है हमारा, ये किसके लिए हो रहा है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, जो रेंगने वाले जानवर और जो एम्फीबियंस हैं उनके लिए क्या हो रहा है, हर्पेटोलॉजी। यानी इसमें किसका अध्ययन करेंगे, रेप्टाइल्स का और एम्फीबियंस का, उभयचरों का और जो रेंग के चलते उन जानवरों का अध्ययन किस में करते हैं हम, हर्पेटोलॉजी में। किस में करते हैं, हर्पेटोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ क्या, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। यानी हर्पेटोलॉजी में क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, समझ में आई। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हीरियोलॉजी। अब हीरियोलॉजी में क्या करेंगे हम, अब जैसे आप देख पा रहे होंगे हीरियोलॉजी जो न्यू वर्ड है, हीरियोलॉजी में करेंगे हम किस, पवित्र वस्तुओं का अध्ययन। हीरियोलॉजी में क्या करेंगे हम, पवित्र वस्तुओं का अध्ययन, सेक्रेड थिंग्स, SACRED, सेक्रेड थिंग्स, यानी पवित्र वस्तुओं का अध्ययन किस में करेंगे, हीरियोलॉजी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, अरे मतलब काफ़ी बार पूछा जाता है और इसको लोग काफ़ी बार स्किप भी कर देते हैं क्योंकि इसको लोग याद नहीं रख पाते बिल्कुल ही, कि अलग थोड़ा ये हो जाता है। अब हीरियोलॉजी क्या हो जाता है हमारा, स्टडी ऑफ सेक्रेड थिंग्स, यानी जो पवित्र वस्तुएं हैं, पवित्र धातुएं, पवित्र वस्तुएं, उनके बारे में जो अध्ययन हो जाए उसको क्या बोल देंगे, हीरियोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ सेक्रेड थिंग्स इज नोन एज हीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ सेक्रेड मैटर्स बोल देंगे या थिंग्स बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे दोस्तों, क्या बोल देंगे, मैटर्स या थिंग्स, यानी स्टडी ऑफ सेक्रेड थिंग्स और मैटर इज नोन एज हीरियोलॉजी, यानी पवित्र वस्तुओं के अध्ययन को क्या बोल देंगे, हीरियोलॉजी। फिर बात आ रही है हमारी नेक्स्ट वर्ड हिप्पोलॉजी। हिप्पो वर्ड से मैं क्लियर करना चाहूँगा, हिप्पो वर्ड मैंने बताया था आपको क्या होता है दोस्तों, हिप्पो वर्ड होता है हमारा घोड़ों के लिए, किसके लिए, घोड़ों के लिए। यानी घोड़ों की बात आ गई, घोड़ों के बारे में अध्ययन आ जाए उसको क्या बोल देंगे, स्टडी ऑफ हॉर्सेस को क्या बोल देंगे, हिप्पोलॉजी, स्टडी ऑफ हॉर्सेस इज नोन एज हिप्पोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ हॉर्सेज, यानी घोड़ों के अध्ययन को क्या बोल देंगे हम, हिप्पोलॉजी। घोड़ों के अध्ययन को क्या बोल देंगे, हिप्पोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ हॉर्सेज इज नोन एज हिप्पोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड, बहुत ही प्यारा वर्ड है हिस्टोलॉजी। अब हिस्टो वर्ड से नहीं समझ पा रहे होंगे आप, हिस्टो वर्ड किसके लिए यूज होता है हमारा दोस्तों, हिस्टो वर्ड आता है हमारा किसके लिए, टिश्यूज़ के लिए। किसके लिए दोस्तों, टिश्यूज़ के लिए। अब टिश्यूज़ के बारे में जब उत्तक, टिश्यूज़ क्या होता है दोस्तों, उत्तक, उत्तकों के बारे में जो भी अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, हिस्टोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ का अध्ययन किस में करते हैं हम, हिस्टोलॉजी में। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हाइड्रोजियोलॉजी। अब हाइड्रोजियोलॉजी, अब बताना चाहूँगा आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, हाइड्रोजियोलॉजी। अब हाइड्रो यानी वाटर, अब वाटर से रिलेटेड होने वाला है, इतना तो आप थोड़ा समझ ही गएंगे, हिंट मिल गए आपको। अब वाटर से रिलेटेड कैसे होने वाला है, अब जियो, जियो से बताना चाहूँगा, जियो से हो जाता है हमारा ग्राउंड। क्या हो जाता है दोस्तों, ग्राउंड, यानी स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर, स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज हाइड्रोजियोलॉजी। क्या बोल देंगे, हाइड्रोजियोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी जो ग्राउंड वाटर है उसके अध्ययन को क्या बोल देंगे हम, हाइड्रोजियोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज हाइड्रोजियोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजियोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर। फिर नेक्स्ट वर्ड आ रहा हमारा हाइटोलॉजी, हाइटोलॉजी। अब हाइटोलॉजी में आप पहली बार देख पा रहे हैं हाइटो वर्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अब हाइटोलॉजी से आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो हाइट जो वर्ड यूज हो रहा है दोस्तों किसके लिए हो रहा है, रेनफॉल के लिए। किसके दोस्तों, रेनफॉल के लिए। अब रेनफॉल के लिए हो रहा है, यानी अध्ययन किसका होगा हमारे, बारिश का, यानी रेनफॉल का अध्ययन किस, क्या होगा, हाइटोलॉजी। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ रेनफॉल, स्टडी ऑफ रेनफॉल, स्टडी ऑफ रेनफॉल इज नोन एज हाइटोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइटोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ रेनफॉल, यानी बारिश का अध्ययन किसमें हो जाएगा, हाइटोलॉजी में। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड हाइपनोलॉजी। क्या है दोस्तों, हाइपनोलॉजी। आप हाइपनो वर्ड से क्लियर करना चाहूँगा, हाइपनो वर्ड यूज होता है यानी स्लीप, नींद के लिए, या हाइपनोसिस किसके लिए, नींद के लिए और साम्यावस्था के लिए, यानी हाइपनोसिस। अब क्या हो जाएगा इसमें, स्टडी ऑफ स्लीप, ये क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्लीप, स्टडी ऑफ स्लीप या हाइपनोसिस।
ठीक है दोस्तों, स्टेडी ऑफ स्लीप और हाइपनोसिस क्या हो जाएगा हमारा, हाइपनोलॉजी। बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखना हाइपनोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड इथियोलॉजी। अब इथियोलॉजी में जो सी एच वो साइलेंट हमारा, इसलिए यह हो जाता है इथियोलॉजी। अब इथियोलॉजी बताना चाहूँगा किसके लिए आ रहा है दोस्तों, या थोड़ा अलग अलग हो रहा होगा, लेकिन ये आता किसके लिए, फिशेज यानी मछलियों के लिए। किसके लिए, फिशेज यानी स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज इथियोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ फिशेज, स्टडी ऑफ फिशेज यानी मछलियों के बारे में किसमें अध्ययन करते हैं हम, इथियोलॉजी में। किसमें दोस्तों, इथियोलॉजी में, ध्यान रखना दोस्तों। इथियोलॉजी क्या होती है हमारी, स्टडी ऑफ फिशेज यानी मछलियों का अध्ययन क्या होता है हमारा, इथियोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे लास्ट वर्ड इस स्लाइड के, इकोनोलॉजी यानी आइकोनोलॉजी या इकोनोलॉजी। क्या हो जाएगा हमारा, इकोनोलॉजी हो जाएगा हमारा स्टडी ऑफ आइकन्स यानी मूर्तियों का अध्ययन, और या हिस्टोरिकल कल्चर या हिस्टोरिकल जो वर्च्यूज है उनका अध्ययन किसमें करते हैं, इकोनोलॉजी। इकोनोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी ऑफ आइकन्स यानी प्रतीकों का अध्ययन किसमें करते हैं हम, आइकोनोलॉजी में। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ आइकन्स। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ आइकन्स किस में करते हैं हम, इकोनोलॉजी। इसी प्रकार दोस्तों, ये जो आज की जो क्लास के हमारे जो 20 वर्ड्स थे वो हमने डिस्कस किए काफ़ी अच्छी तरीके से, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। इसी प्रकार जो ये हमारी क्लास है यानी लॉजी की, लॉजी का हमारा कौन सा ये पार्ट थर्ड है, लॉजी का पार्ट थर्ड हमने कंप्लीट किया। हमारे आज के जो 20 वर्ड्स वो कंप्लीट किए हमने अच्छी तरीके से, और आपको समझाने की भी कोशिश की, और मुझे आशा है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो आज का यहीं एंड होता है, तो आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।